लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेलीस्कोप के फंडामेंटल्स देखे थे और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और वो लेक्चर हमने वहीं पे ख़त्म कर दिया था। अब हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम आपको टेलीस्कोप के फंडामेंटल्स एक बार रिवाइज करवा दें और उसके बाद क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई है इसलिए ये आई पीस है। फिर सुनो, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और हमारी आई के पास जो लेंस होता है उसको हम लोग आई पीस कहते हैं। ये यू फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये वी फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसकी इमेज यहाँ पर बनाई, ये ऑब्जेक्ट है और इस लेंस ने इसकी इमेज यहाँ पर बनाई, ये इमेज इसलिए ये इसके लिए यू हो गया और ये वी हो गया। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसलिए ये यू फॉर आई पीस और इसकी इमेज यहाँ बन गई इसलिए ये वी फॉर आई पीस होगा। ओके, यू ओ वी ओ यू ई वी ई, ये दोनों डेटा ओ के हैं, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के हैं, और ये दोनों डेटा ई के हैं, ई के मतलब आई पीस के हैं, ठीक है ना। यू ओ वी ओ यू ई वी ई। अब हमने तुम लोगों को ये बताया था कि हम टेलीस्कोप का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किन बातों का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे सवाल में कि इमेज कहाँ पर है, इमेज कहाँ बन रही है, इसको देखकर समझकर हम लोग ये डिसाइड करेंगे। जब इसको देखकर ये डिसाइड कर लेंगे और इसको देखकर ये डिसाइड कर लेंगे तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लेंथ ऑफ ट्यूब यानी कि टेलीस्कोप की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि मुख्य बात ये हुई कि इसको देखकर हम ये डिसाइड करेंगे, इसको देखकर हम ये डिसाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी और दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्यूब की लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये क्वेश्चन में डेफिनेटली लिखा होगा। फाइनल इमेज, हाँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये क्वेश्चन में डेफिनेटली लिखा होगा, दिया होगा। अगर ये नहीं दिया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। फाइनल इमेज यानी कि लास्ट इमेज कहाँ पर बन रही है ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, ये दिया होगा तो इसको ये डिसाइड हो जाएगा और जब इसको देखकर ये डिसाइड हो गया, इसको देखकर ये डिसाइड हो गया तो दोनों को हमने डिवाइड किया तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई और दोनों को हमने ऐड कर दिया तो लेंथ आ गई। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ई एंड लेंथ इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वी ओ बाई यू ई, सिर्फ मॉड लेना है और जब आंसर आ जाए तो बाद में यहाँ पर माइनस साइन लगा देना है, क्योंकि फाइनल इमेज यानी कि लास्ट इमेज इन्वर्टेड है इसलिए जब आंसर आ जाए तो बाद में एकदम लास्ट में यहाँ पर माइनस साइन लगा देना। और लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू वी ओ का मैग्नीट्यूड प्लस यू ई का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये सब बातें कई बार हम लोगों ने रिवाइज़ की, अभी आज भी कई बार रिवाइज़ की और जब लास्ट लेक्चर ले रहे थे हम तब भी हमने इन बातों को कई बार इसलिए बोला था कि ये चीज़ें आपको समझ तो आ ही जाएँ साथ ही साथ लर्न भी हो जाएँ, क्योंकि अगर लर्न नहीं होगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले काफ़ी ध्यान करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से 800 सेंटीमीटर पर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एफ ओ की वैल्यू 200 सेंटीमीटर, एफ ई की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ये एफ ओ दिया हुआ है और ये एफ ई दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है और लेंथ भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, मैग्नीफाइंग पावर भी और लेंथ भी। तो देखिए, हमने कहा था ना कि इस डेटा को देखकर हम ये डिसाइड करेंगे
जो हमें यू मालूम है और एफ मालूम है, तो हम ये वी निकाल लेंगे। सबसे पहले ये काम किया जाए। अच्छा, एक बात और बता दें, क्वेश्चन रिलैक्स विजन केस का है, यानी कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है, ठीक है ना। जब ये फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि ये एफ ई होगा, और एफ ई मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। तो पहले यहाँ से शुरुआत करो, इससे और इससे पहले ये कैलकुलेट कर लो। ये ऑलरेडी डिसाइड हो ही चुका है, ठीक है ना। ये देखिए 2 है, 2 सेंटीमीटर। तो जब हम इससे और इससे ये कैलकुलेट कर लेंगे, और ये ऑलरेडी डिसाइड हो ही चुका है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, और ऐड कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी, ठीक है। 1/VO - 1/UO = 1/FO, 1/VO कैलकुलेट करना है, 1/-800 = 1/200, 1/VO = 1/200 - 1/800, ठीक है। 800 ये हो गया 4 - 1, यानी कि 3/800 VO आ गया, ठीक है ना। नाउ मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू VO / UE, मैग्नीट्यूड ओनली, ओके। VO जो कि 800/3 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। तो ये 800/3 एंड UE डिसाइडेड बाय अस इज इक्वल टू FE, एंड FE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ है, तो 2 हो गया, तो रिजल्ट आ गया 400/3। मैग्नीफाइंग पावर आ गया। मैग्नीफाइंग पावर में कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होती है। नाउ लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू VO + UE, ठीक है ना। VO मींस 800/3, ठीक है ना, एंड UE मतलब 2। दिस बिकम 806/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसको रिवाइज करो, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है और फाइनल इमेज भी रिलैक्स विजन केस पे बन रही है, यानी कि फाइनल इमेज की डिस्टेंस यहां से इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये डिसाइड हो गया एफ ओ, और अगर ये भी इनफाइनाइट है तो ये भी डिसाइड हो गया एफ ई, ठीक है ना। इसको देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं, इसको देखकर इसकी वैल्यू को देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं। अब दोनों को डिवाइड करने से मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू FO / FE। मैग्नीफाइंग पावर वैसे तो होती है VO / UE। VO डिसाइड हो चुका है FO, और UE भी डिसाइड हो चुका है FE, इसलिए FO / FE ये मैग्नीफाइंग पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया। हमें मैग्नीफाइंग पावर ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है बच्चा कि ना FO दिया हुआ है ना FE दिया हुआ है। ये बात समझो कि समस्या ये है कि ना FO दिया हुआ है ना FE दिया हुआ है। अब क्या किया जाए भाई? सब कुछ सामने है, आंसर भी सामने है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि FO और FE की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ठीक है ना। इसके बदले में एक डिटेल दिया हुआ है, और वो डिटेल मैं आपको बताता हूँ। डिटेल ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस पर एक L लंबाई की ब्लैक लाइन है, और इस लाइन की रियल इमेज बाय द आई पीस, ये एफ ओ है, ये एफ ई है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस है। इस ब्लैक लाइन की इमेज आई पीस के द्वारा बनाई जाती है। ये इमेज देखिए बना रहे हैं, यहाँ पर रियल इमेज है, ये देखिए, और एक रे मान लो यहाँ से निकाल दें, और ये देखिए यहाँ पर एक रियल इमेज बन गई। ये क्वेश्चन में कहा गया है उस लाइन की लंबाई L है और उसके इमेज की लंबाई स्मॉल L क्वेश्चन में दी गई है, और ये रियल इमेज है, रियल इमेज। तो अब क्योंकि ये लाइन ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस तो कुछ इमेज बनाने में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लाइन खुद ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर है, यानी कि इसकी इमेज जो
बनी है वो किसने बनाई है, उसकी इमेज बनाई है आईपी उसने, ठीक है। ये एफओ और ये एफई, एफओ एफई, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ इस डेटा से किसी प्रकार से एफओ और एफई का रेशियो कैलकुलेट कर लेना चाहिए, और उस रेशियो को हम यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो कि फॉर आईपीस के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो कि आई बाई ओ होती है, आई बाई ओ का मतलब हो गया स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ये इमेज है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है ना। ये आ तो गया लेकिन अभी भी हमको एफ ओ बाई एफ ई की वैल्यू नहीं मिली, तो एक बार और आई पी इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करो। एम का एक और फार्मूला होता है, वो होता है एफ अपॉन यू प्लस एफ, याद है ना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमने तुमको चार फार्मूले बताए थे, चार में से पहला फार्मूला ये था और थर्ड फार्मूला ये था, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आई पी इसके लिए है तो ये एफ ई हो जाएगा। यू की वैल्यू आई पी इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, हाँ हाँ भाई आई पी इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यू की वैल्यू माइनस एफ ओ प्लस एफ ई एंड ये एफ ई, क्लियर है। ये आई पी इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, आई पी इसके लिए फोकल लेंथ एफ ई और यू की वैल्यू एफ ओ प्लस एफ ई, ये देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ ई से एफ ई कैंसिल हो गया और ये आ गया माइनस एफ ई बाई एफ ओ, माइनस एफ ई बाई एफ ओ आ गया, ओके। नाउ हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एम है और ये भी एम है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इससे ये साबित हुआ कि एल बाई एल इज इक्वल टू माइनस एफ ई बाई एफ ओ, हेंस एफ ओ बाई एफ ई इज इक्वल टू माइनस एल बाई एल। नाउ हमारा यही हमारा आंसर है, बिकॉज मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, एंड एफ ओ बाई एफ ई का मतलब हो गया माइनस एल बाई एल। माइनस साइन इग्नोर करना चाहो आंसर का तो इग्नोर भी कर सकते हो, और अगर लेके चलना चाहो तो लेके चल सकते हो, आंसर तो आ ही चुका है, ऑप्शन में एल बाई एल करेक्ट ऑप्शन लिया जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी, और लैंग्वेज क्लियर ना होने की वजह से कोई ये समझ नहीं पाया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अगर लैंग्वेज क्लियर होती तो ये क्वेश्चन लगभग सारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़ते हैं वो सॉल्व कर लिए होते, लेकिन उस क्वेश्चन में वाकई लैंग्वेज क्लियर नहीं थी, जबकि हमने यहाँ पर उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा रेक्टिफाई करके ठीक करके यहाँ पर बताया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो इमेज बनती है, जो फाइनल इमेज बनती है, वो इन्वर्टेड होती है। तो जब हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से मून या स्टार्स जैसी चीज़ों को देखते हैं तो वो स्फेरिकल होने की वजह से इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि उनकी इमेज सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है। जैसे ये पेन है, अगर हम इस पेन को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखें तो इसकी इमेज इन्वर्टेड बनेगी और हमें थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर हम मून या स्टार्स को देखते हैं वो लगभग स्फेरिकल होते हैं, और स्फेरिकल होने की वजह से इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इमेज सीधी स्फेरिकल है या उल्टी स्फेरिकल है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से किसी स्टेडियम में खेला जाने वाला मैच देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमें सारे खिलाड़ी उल्टे खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर हम किसी बिल्डिंग में को देखेंगे तो वो बिल्डिंग हमें उल्टी नज़र आएगी, अपोजिट इन्वर्टेड नज़र आएगी, और ये देखने में अच्छा नहीं होगा। तो अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, इस समस्या को दूर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में बदल दिया गया। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम फाइनल इमेज इरेक्ट बनवाएंगे, यानी कि सीधी बनवाएंगे। ये कैसे होगा ज़रा इसको देखिए। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट
फर्स्ट इमेज थोड़ी सी बड़ी, फर्स्ट इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी मैग्नीफाइड होगी। उसके बाद हम एक लेंस इस्तेमाल करेंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है एफओ, इसकी फोकल लेंथ एफओ है। इसके बाद हम एक और लेंस इस्तेमाल करेंगे जिसे हम लोग इरेक्टिंग लेंस कहते हैं। इस लेंस की फोकल लेंथ एफ होती है और इस लेंस को हम इतनी दूरी पर रखते हैं कि ये 2f के बराबर हो। जब ये 2f होगा तो इसकी सेम साइज की इमेज बिल्कुल लगभग लगभग सेम साइज की इमेज 2f डिस्टेंस पर बन जाएगी। ये 2f होगा और ये भी 2f होगा, इसका इसका और इसका साइज बिल्कुल सेम होगा। यानी कि इस लेंस ने कोई मैग्नीफिकेशन नहीं किया, इस लेंस ने सिर्फ उल्टी इमेज को सीधा कर दिया और साइज बिल्कुल वही रखा। अब इसके बाद हम लगाएंगे आईपीस लेंस। ये आईपीस लेंस हो गया, ये क्या करेगा, ये इस इमेज को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और ये रे जो पोल से होकर गई लगभग लगभग सीधे, और ये देखिए फैल रही हैं, दूर जा रही हैं, और इस तरीके का एडजस्टमेंट करेंगे कि ये इधर डाइवर्ज हों, और जब ये इधर डाइवर्ज होंगे तो यहाँ नहीं मिलेंगे, और जब यहाँ नहीं मिलेंगे तो इन्हीं दोनों रेस को हम लोग पीछे मिलाएंगे, और जब पीछे मिलाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर कट होंगे, और इस प्रकार से फाइनल इमेज मतलब लास्ट इमेज विल बी इरेक्ट, यानी कि लास्ट इमेज विल बी सीधी, ठीक है ना। तो इस पूरे सेटअप को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सिर्फ एक डिफरेंस है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस इस्तेमाल होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में एक थर्ड लेंस भी इस्तेमाल किया जाता है। इस लेंस को हम लोग इरेक्टिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लेंस इस इमेज की, इस इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर देता है, साइज में कोई फ़र्क नहीं डालता, यानी कि ये कोई मैग्नीफिकेशन नहीं करता। ओके, तो अब हम इस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऑब्जर्वर होगा जो देखेगा, अगर हम टेलीस्कोप से चीज़ों को देख रहे हैं तो हमारी आई जो होगी वो यहाँ पर होगी, ये देखिए लिखा हुआ आई, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये यू ओ जो कि हमने पहले ऊपर लिखा करते थे, लेकिन अब ऊपर क्योंकि इमेज यहाँ बन गई इसलिए ऊपर नहीं लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। ये यू ओ और ये वी फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस वी ओ, उसके बाद ये इतनी दूरी और, दैट इज 4f, ठीक है, 4f क्लियर हो गया भाई, 2f और 2f 4f कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, आराम से बस सुनते जाओ, जब अभी कॉन्क्लूड हो जाएगा तब बात करना कि कठिन है कि सरल है, इजी है कि टफ है, अभी सब बातें हो जाएंगी, जब हमने कह दिया कठिन नहीं है बस कठिन नहीं है, ठीक है। और फाइनली ये हो गया यू फॉर आई पीस, यू फॉर आई पीस, क्योंकि ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और फाइनल इमेज यहाँ बन गई, ये हो गया वी फॉर आई पीस। ओके, वी फॉर आई पीस। अच्छा, अब तुम कहोगे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करने का तरीका बता दीजिए। देखिए ध्यान से, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, एस्ट्रोनॉमिकल में होता था वी ओ बाई यू ई, यही होता था ना, याद करो, लास्ट लेक्चर देखो, कई बार इसको रिवाइज करवाया हमने, वी ओ बाई यू ई और माइनस साइन इसलिए लगाते थे क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज यहीं पर बनती थी, लेकिन वो उल्टी नहीं, सीधी नहीं, बल्कि वो उल्टी होती थी, अब इन्वर्टेड होती थी, इसलिए माइनस साइन भी लगाते थे।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस साइन नहीं बल्कि आंसर प्लस में देना है, बस जरा सी बात है और कुछ भी तुम्हें नहीं करना है। वी ओ बाई यू ई, इसको देख कर तुम वी ओ डिसाइड कर लेते थे, इसको देख कर तुम यू ई डिसाइड कर लेते थे और इन दोनों को डिवाइड कर देते थे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाती थी, ठीक है ना। ओके, और वहाँ पर हम लोग जो भी आंसर निकालते थे उसके लास्ट में बोल देते थे कि माइनस साइन और लगा देना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तुम्हें माइनस साइन इंट्रोड्यूस नहीं करना है, यानी कि आंसर होगा प्लस वी ओ बाई यू ई। इन दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रखते थे, वहाँ भी रखते थे, यहाँ भी रखते थे, वहाँ पर यहाँ माइनस भी होता था और यहाँ पर प्लस में आंसर होगा और कोई अंतर नहीं है। अब लेंथ देखिए, वहाँ पर लेंथ हुआ करती थी वी ओ प्लस यू ई, याद करो, तब ये इतनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं हुआ करती थी, सिर्फ वी ओ होता था अंदर, वी ओ होता था और यू ई होता था, इन दोनों को ऐड कर देते थे तो लेंथ आ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के बीच की पूरी दूरी जो कि कैपिटल एल से रिप्रेजेंट की गई है, और इस कैपिटल एल में कौन कौन इन्वॉल्व है देखिए, वी ओ है, यू ई वी ओ है और ये देखिए यू ई है, साथ में 4F भी है, यानी कि ये एडिशनल लेंथ और होगी, 4F और कर दोगे, जहाँ पे F क्या है बताओ, जल्दी बताओ F क्या है। F है फोकल लेंथ ऑफ मिडिल लेंस, मतलब फोकल लेंथ ऑफ इरेक्टिंग लेंस, क्वेश्चन में इरेक्टिंग लेंस की फोकल दूरी दी होगी और उसी हिसाब से हम लोग उसके आंसर को जनरेट कर ला लेंगे, ठीक है ना। तो अब जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी देखना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किए जाते हैं और फाइनल इमेज इन्वर्टेड होती है, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जब हम मैच वगैरह देखते हैं या किसी बिल्डिंग में किसी पर्सन को देखते हैं, ठीक है ना, या किसी टेररिस्ट को देखते हैं, तो हमें उसकी उल्टी इमेज नज़र आती है और हमें कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ही थोड़े मॉडिफिकेशन करके उससे ही टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बनाया गया। मॉडिफिकेशन क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के बीच में एक इरेक्टिंग लेंस का इस्तेमाल किया गया, इसने सेकेंड इमेज जो कि उल्टी होती है उसको सीधा कर दिया और फिर आई पीस ने इसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना दी। इस प्रकार से इस टेलीस्कोप से जब हम मैच देखेंगे तो हमें सारे खिलाड़ी जिस पैटर्न में खेल रहे हैं उसी पैटर्न में नज़र आएंगे, उल्टे खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, बात तो कर ही चुके हैं लेकिन एक बार और सुन लीजिए आप लोग। मैग्नीफाइंग पावर निकालते वक्त जब हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के क्वेश्चन लगाते थे तो आंसर निकालने के बाद माइनस लगा देते थे और यहाँ पर हम वो माइनस नहीं लगाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना है। ओके, अब लेंथ की बात करें, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच सिर्फ दो दूरियाँ होती थी, यूई इधर, हाँ वहाँ पर हम ऊपर लिखते थे, यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया और कोई बात नहीं है, यूई हुआ करता था और वी ओ होता था, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस 4F की नहीं होती थी और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी होगी, यानी कि लेंथ का फॉर्मूला होगा वी ओ प्लस 4F क्यों, 2F, ये देखिए ना, ये जब उतनी ही बड़ी इमेज बनाएगा तो ये 2F और 2F इमेज फॉर्मेशन के वक्त हमने पढ़ाया था ना कि 2F की इमेज 2F पे ही बनती है और साइज़ बिल्कुल सेम होता है, तो इसका साइज़ और इसका साइज़ बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा मैग्नीफिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। लेंथ 4F अमाउंट बढ़ जाएगी, यानी कि वहाँ पर आंसर होता था वी ओ प्लस यू ई और यहाँ पर आंसर होगा वी ओ प्लस 4F प्लस यू ई। इतना अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इस लेंस को, इस थर्ड लेंस को जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस के बीच में रखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इरेक्टिंग लेंस, ठीक है ना। इसको रिवाइज करिए, फिर से क्वेश्चन लगाते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ये सब रिवाइज है तुम लोगों का जो हम टेरेस्ट्रियल तुम लोगों को पढ़ा रहे थे, तो हमने इन चीज़ों को नीचे लिख दिया था, अब हमने इन चीज़ों को ऊपर लिख दिया है, जैसे हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऊपर लिखा था वैसे ही इसको ऊपर लिख दिया जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। हाँ भाई चलो, कुछ ध्यान आ रहा है, यू ओ वी ओ, ओके, उसके बाद ये एक्स्ट्रा 4F, ठीक। अब देखो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट यानी कि यू ई और इसकी इमेज इसने यहाँ बना दी तो ये हो गया वी ई, ठीक ना। इसी तरीके से हमने एस्ट्रोनॉमिकल में लिखा था और उसी पैटर्न पे हमने अब टेरेस्ट्रियल में भी लिख दिया जिससे तुम्हें कन्फ्यूज़न ना हो, तुम जब मैच कराओ तो तुम्हें सिर्फ
ये एक्स्ट्रा नज़र आए और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नज़र ना आए, ओके। ये 4F एक्स्ट्रा नज़र आएगा, वहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। एक बार और देखो, U फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, V फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, U फॉर आई पीस एंड दिस इज V फॉर आई पीस, ओके। क्या कहा था वहाँ, क्या कहा था, क्या करना, इसको देख के ये डिसाइड करना, इसको देख के ये डिसाइड करना, इन दोनों को डिवाइड कर देना तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, साइन पॉजिटिव रखना, और लेंथ निकालनी हो तो वी ओ प्लस 4F प्लस यू। देखो ध्यान से, लेंथ यहाँ से लेके यहाँ से कहाँ नाप रहे हो, यहाँ से नहीं नापते लेंथ को। लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। अब देखो ध्यान से, वी ओ यू ई और क्या एक्स्ट्रा बोलो, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4F और, ठीक है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, रुक जाओ बस रुक जाओ, और ये एक्स्ट्रा बीच की ये दूरी कितनी है 4F, तो वी ओ प्लस यू ई प्लस 4F हो गया, ओके। अब कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यानी कि ये इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ये डिसाइड हो गया ये एफ होगा, ओके। अब कह रहे हैं कि फाइनल इमेज भी इनफाइनाइट पर बन रही है, ये भी इनफाइनाइट, और अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है तो ये डिसाइड कर लिया जाएगा एफ ई के बराबर, क्योंकि जब ये इनफाइनाइट तो ये एफ ई होता है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना, जल्दी करो भाई, डिवाइड करो। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वी ओ की जगह पर एफ ओ और वी ई की जगह पर एफ ई, और साइन कैसा बताइए, पॉजिटिव, ठीक है। अब लेंथ बतानी है, लेंथ कई बार बता चुके, वी ओ की जगह पर एफ ओ आ गया, एक्स्ट्रा लेंथ 4F और आ गई, और यू ई की जगह पर एफ ई हो गया। ये लीजिए, इतनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया। ये क्वेश्चन न्यूमेरिक टाइप का नहीं था, ये क्वेश्चन अलजब्रिक था, यानी कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जैसी नहीं दी थी, बल्कि इसमें सिर्फ आंसर हमको एफ ओ एफ ई और एफ के फॉर्म में ही देना था। न्यूमेरिकल होता तो भी है, न्यूमेरिकल होता तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते, ये न्यूमेरिकल नहीं है तो हमने अलजब्रिक आंसर बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के डिटेल्स देखिए जरा। ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन में भी इनफाइनाइट पर है, यानी कि वेरी फार है, वेरी फार, अगर वेरी फार बोल दिया है ये तो तुम समझ जाना कि इनफाइनाइट लेकर सॉल्व करना है। अगर ये इनफाइनाइट है तो इसको डिसाइड करो, ये एफ ओ होगा, राइट। अच्छा, फाइनल इमेज ये जो है ये बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी कि ये इमेज बन रही है कैपिटल डी पर, कैपिटल डी मतलब 25 सेंटीमीटर पर। और अगर ये कौन सा केस हो गया, ये केस हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का केस हो गया। तो अगर ये डी है तो ये क्या डिसाइड होगा बताओ, एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, ये डिसाइड होगा ना। तो जब ये और ये डिसाइड हो गए तो दोनों को डिवाइड कर दो तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी, और दोनों को ऐड कर दो साथ में 4F तो लेंथ आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन में बोलिए, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वी ओ की जगह पर एफ ओ और यू ई की जगह पर एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, मीन्स द आंसर इज एफ ओ बाई एफ ई एंड 1 प्लस, हाँ ये डिवाइड हुआ ना, तो 1, और जब इससे डिवाइड हुआ तो एफ ई बाई डी, और साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है ना। और अब लेंथ बताएं जरा, वी ओ मतलब एफ ओ इस क्वेश्चन में, फिर एडिशनल लेंथ 4F, और फिर यू ई, और यू ई मतलब इस क्वेश्चन में एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिक टाइप नहीं है बल्कि अलजब्रिक टाइप है, है तो ये क्वेश्चन ही लेकिन अलजब्रिक टाइप है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दी हैं, सिर्फ इन्हीं टर्म्स में हमको आंसर करना है। अब बात करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप की। गैलीलियन टेलीस्कोप अच्छा बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस टेलीस्कोप में खास बात यह थी कि ऑब्जेक्टिव लेंस तो कॉन्वेक्स था लेकिन आईपीस लेंस कॉनकेव था। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये बात कहते हैं कि हम गैलीलियन टेलीस्कोप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप का क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद आसान है, जो टेक्निक बता रहे हैं उसको देखो। मैग्नीफाइंग पावर का
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना, जो फॉर्मूला उचित हो वो इस्तेमाल करना, जैसे वी ओ बाई यू ई। और जब वैल्यू रखना तो एफ ई की वैल्यू नेगेटिव में रखना, क्योंकि गैलीलियन टेलीस्कोप में आई पीस लेंस ये आई है, ये वेरी फार ऑब्जेक्ट, बहुत दूर, इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स ने हल्का सा कन्वर्ज किया और फिर इसने उसको डाइवर्ज करने की कोशिश की, यहाँ पर आई है और ये हमारी इमेज बन गई, ये इरेक्ट इमेज बनती है। गैलीलियन टेलीस्कोप का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला लिखना और जब एफ ई की वैल्यू रखना तो नेगेटिव में रख देना। एग्जाम्पल देकर हम इस बात को समझाते हैं। ये क्वेश्चन है गैलीलियन टेलीस्कोप का, जिसमें एफ ओ की वैल्यू 200 सेंटीमीटर और एफ ई की वैल्यू 2 सेंटीमीटर बताई जा रही है और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इसका मतलब ये हुआ कि वी ओ बिकम इक्वल टू एफ ओ मीन्स 200 सेंटीमीटर और रिलैक्स विजन केस है। रिलैक्स विजन केस, और रिलैक्स विजन केस का मतलब है कि यू ई की वैल्यू एफ ई, एफ ई मतलब 2 सेंटीमीटर। ओके, हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल में यही सब डिसाइड करते थे ना, वी ओ को देखकर यू ओ डिसाइड करते थे और वी ई को देखकर एफ यू ई डिसाइड करते थे। तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है यानी कि वी ओ इज इक्वल टू एफ ओ, और रिलैक्स विजन केस है मतलब यू ई इज इक्वल टू एफ ई। नाउ मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है माइनस, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में माइनस वी ओ बाई यू ई, याद आ रहा है। तो वी ओ की जगह पर एफ ओ और यू ई की जगह पर एफ ई डिसाइड हुआ है और अब वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस एफ ओ 200 और एफ ई क्योंकि कॉनकेव है इसलिए माइनस 2, हेंस द आंसर विल बी 100, मैग्नीफाइंग पावर आ गया। नाउ नाउ लेंथ ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई मीन्स एफ ओ प्लस एफ ई इस क्वेश्चन में, बिकॉज वी ओ एफ ओ के बराबर डिसाइड हुआ है और यू ई एफ ई के इक्वल डिसाइड हुआ है। तो एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ 200 और एफ ई की वैल्यू 2, लेकिन 10 बार हमने अभी भी कहा कि एफ ई कॉनकेव होने की वजह से माइनस में वैल्यू रखी जाएगी एफ ई की। तो ये हो गया 200 माइनस 2 मीन्स 198, 200 माइनस 2 मीन्स 198 सेंटीमीटर। जो टेक्निक्स तुमको बताई जा रही हैं, अगर वाकई तुम उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप या गैलीलियन टेलीस्कोप का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा। गैलीलियन का क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत परफेक्ट ट्रिक तुमको मैंने बता दी है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त तुम यू ओ को देखकर वी ओ डिसाइड कर लेना, वी ई को देखकर यू ई डिसाइड कर लेना, फिर फार्मूला लिख देना, उस फार्मूले में जहाँ भी एफ ई की वैल्यू रखनी है उसको तुम माइनस साइन के साथ रख देना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। गैलीलियन का ये क्वेश्चन देखिए, एफ ओ की वैल्यू 200 सेंटीमीटर और एफ ई जो कि कॉनकेव होता है, कई बार हमने बताया एफ ई की वैल्यू 2 सेंटीमीटर कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, जब हम वैल्यू रखेंगे तो 2 नहीं रखेंगे बल्कि -2 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन सा केस है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, गैलीलियन टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीज़ों को देखते हैं और बहुत दूर की चीज़ों का मतलब है कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो इस बात से हमने ये डिसाइड किया कि वी ओ विल बी इक्वल टू एफ ओ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिसाइड किया था, सेंटीमीटर। और ये डिस्टिंक्ट विजन केस का क्वेश्चन है, एल डी डी वी केस, क्वेश्चन में देखो स्पष्ट लिखा हुआ है एल डी डी वी केस है। और एल डी डी वी केस के लिए हम शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं यू ई की वैल्यू
एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी डिसाइड होगी। ओके, नाउ मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी है, सो द मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस वी ओ बाई यू ई, सो माइनस इसकी जगह पर एफ ओ क्योंकि डिसाइड हुआ है अभी अभी, और इसकी जगह पर एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, तो ये एफ ई प्लस डी ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, देखिए ध्यान से, माइनस 200 एफ ई माइनस टू डी मतलब 25 सेंटीमीटर अपॉन एफ ई मतलब माइनस टू एंड डी मतलब 25। ओके, तो ये हुआ माइनस, और ये माइनस तो खैर हट गया, तो 200 बाय 50 और यहाँ ब्रैकेट में 23। ओके, सो इट इज सिंपली बिकम 4 × 23 92, बहुत इजीली आ गया। बस एस्ट्रोनॉमिकल की तरह स्टार्ट करना, चलते चले जाना, और जब वैल्यू पुट करने का समय आए तो एफ ई की वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी वो माइनस में रखना, क्योंकि गैलीलियन टेलीस्कोप में जो आई पीस लेंस होता है वो कॉन्वेक्स नहीं बल्कि कॉन्केव होता है, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द ट्यूब वी ओ प्लस यू ई, ये एफ ओ डिसाइड हुआ है और ये एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी डिसाइड हुआ है। एफ ओ 200, एफ ई माइनस टू क्लियर है, डी 25, माइनस टू क्लियर है, फोकस करो भाई, माइनस टू क्लियर है एंड दिस इज 25, 200 माइनस 50 एंड 23, इट इज सिंपली 200 माइनस 2.1 अप्रॉक्सीमेटली, वी गेट द आंसर 197.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देख रहे हैं बिल्कुल गैलीलियन की तरह चलते चले जा रहे हैं, सॉरी बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तरह चलते चले जा रहे हैं, और जब वैल्यू रखने का समय आ रहा है तो हम एफ ई की जगह पर निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि गैलीलियन में जो आई पीस होता है वो कॉनकेव होता है, और कॉनकेव की होने की वजह से एफ ई की जगह पर देखो माइनस टू, यहाँ भी एफ ई की जगह पर माइनस टू। इन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करोगे तो तुम्हें टेलीस्कोप टफ नहीं लगेगा, टेलीस्कोप के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे तो टेलीस्कोप के क्वेश्चन सभी को कठिन लगते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स की बात करूं अगर तो वो टेलीस्कोप क्वेश्चन या तो गलत कर देते हैं या उन्हें गिवअप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि आप देखिए कि इस आर्टिकल के क्वेश्चन बाकी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन से कहीं आसान हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी आर्टिकल को डिस्कस करें, और आर्टिकल है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर। बच्चा पहले तुमको ये समझना चाहिए कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, और उसके बाद तुमको रिजॉल्विंग पावर का मतलब भी समझ में आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जरा ध्यान देखिए, ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, जैसे ब्लैक स्पॉट मान लीजिए दो हैं, दोनों अलग अलग हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है पॉइंट स्पॉट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है छोटा सा पॉइंट स्पॉट, ठीक है। और ये कोई पर्सन है, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई के लिए इसको देखेंगे, चलिए यहाँ पर कोई पर्सन था और हमने इससे पूछा कि क्या ये दोनों तुमको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, तो इसने कहा कि हाँ ये दोनों हमको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट वन है ये ऑब्जेक्ट टू है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लिया है, इन दोनों को थोड़ा सा पास लिया है, और फिर इस पर्सन से कहा कि क्या अब ये दोनों तुमको अलग अलग नज़र आ रहे हैं,
तो उसने कहा कि हाँ हमको दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी हमको अलग अलग नज़र आ रहे थे और अभी भी हमको ये दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं, मतलब ये दो हैं और हमको दो ही नज़र आ रहे हैं। तो हमने इन दोनों को और पास और क्लोज किया। जब हमने इन दोनों को इतना क्लोज कर दिया तो ये पर्सन अचानक बोला, ये पर्सन अचानक ये बोला कि अब और क्लोज मत करिए, क्योंकि अभी तो ये हमको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने इनको और क्लोज किया तो ये दोनों हमको दो नहीं बल्कि एक नज़र आएंगे, यानी कि अब हम इनको अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस पोजीशन पे ये दोनों ऑब्जेक्ट इसकी आंख पर जो एंगल बनाते हैं उसे कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उस समय डिसाइड होता है जब इनके बीच की दूरी इतनी हो, जब इनके बीच की दूरी इतनी हो कि इन दोनों को अगर और पास किया जाए तो ये कह दे कि अब ये दो ऑब्जेक्ट हमको दो नहीं बल्कि एक नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो ये सब कर रहा है वो तो कह रहा है कि दो हैं, और जो देख रहा है वो कह रहा है कि दो नहीं बल्कि एक हैं, और इस समय ये दोनों इसको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, और इस दूरी को अगर ज़रा भी कम कर दिया जाए तो ये कहने लगता है कि ये दो नहीं बल्कि हमको एक नज़र आ रहे हैं, आपस में मिलकर नज़र आ रहे हैं, दो हैं लेकिन हमको एक नज़र आ रहे हैं। ऐसे में इस एंगल को, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट इसकी आंखों पर जो एंगल बनाते हैं उस एंगल को हम लोग कहते हैं इसके आंख का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने का फार्मूला 1.22 लैम्डा बाई ए, जहाँ पर ए इसकी आंखों के लेंस का अपर्चर है और लैम्डा इन दोनों से आने वाली लाइट की वेवलेंथ है, आने वाले लाइट की वेवलेंथ लैम्डा। ओके, तो फॉर्मूला हो गया 1.22 लैम्डा बाई ए, और ये आंसर रेडियन में आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होता है, क्योंकि जो अच्छी आई होती है वो बहुत पास के दो बिंदुओं को भी अलग अलग देख पाती है, और ये दूरी जितनी कम होगी डेल्टा थीटा भी उतना कम होगा, यानी कि जो अच्छी आई होगी उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, नहीं ज़्यादा नहीं, अच्छी आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होने का मतलब है कि वो बहुत पास के दो बिंदुओं को भी अलग अलग देख सकता है, ये उसकी एबिलिटी है, ये उसकी क्षमता है, और इसी क्षमता को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। वो जितनी ज़्यादा पास की चीज़ों को अलग अलग देख पाएगा, वो जितनी ज़्यादा पास की चीज़ों को अलग अलग देख पाएगा, डेल्टा थीटा मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ही कम होगा, और उस आँख को हम एक गुड आई की तरह समझेंगे, उस आँख को हम कहेंगे कि ये आँख काफ़ी अच्छी आँख है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी गुड क्वालिटी की आई है, क्योंकि ये बहुत पास के दो बिंदुओं को भी अलग अलग देखने की एबिलिटी रखती है, बहुत पास के दो बिंदुओं को भी अलग अलग देखने की क्षमता रखती है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो गुड आई होगी उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, जो बैड या ख़राब आई होगी उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, एवरेज वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए, ये येलो और ग्रीन लाइट का बीच की वेवलेंथ है, और हमारी आँखों के लेंस का अपर्चर आमतौर पर 2 मिलीमीटर होता है। हमारी आंखों जो का जो लेंस होता है उसका जो अपर्चर होता है, उसका जो डायमीटर होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलीमीटर होता है। तो अगर हम इन दोनों को लेकर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 1.22 5000
एंगस्ट्रॉम और 2 मिलीमीटर कन्वर्टेड इनटू एंगस्ट्रॉम, वी गेट अ रिजल्ट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 3.06 इंटू 10^-4 रेडियन। ये रिजल्ट ध्यान रखना, अक्सर इस वेवलेंथ और आंखों के लेंस का अपर्चर 2 मिलीमीटर देकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है 3.06 इंटू 10^-4 रेडियन। अगर आंसर को डिग्री में पूछा गया हो तो रेडियन को हम इस तरीके से डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा डिग्री में। और अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 10^-4 और 180 बाई पाई, ये तो हो गया डिग्री, और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मिनट में। और इसको सॉल्व करने पर 1 मिनट आता है, मिनट एंगल की क्लासिकल यूनिट है। आजकल एंगल को रेडियन और डिग्री में मेज़र किया जाता है, लेकिन बहुत पहले, बहुत क्लासिकल ज़माने में एंगल को हम लोग मिनट में भी मेज़र करते थे, सेकंड में भी मेज़र करते थे। अगर मिनट एंगल मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 1 मिनट आ गया आंसर, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, ओके। बहुत पहले टाइम, बहुत पहले एंगल को रेडियन और डिग्री में नापते तो थे, लेकिन साथ में मिनट और सेकंड में भी मेज़र किया जाता था। एक बार थ्योरी फिर सुनिए। बहुत दूर से एक कार आ रही है, और कार रात का समय है, नाइट टाइम है, और कार की दोनों हेडलाइट्स हमको अलग अलग नज़र आ रही हैं। हम कह रहे हैं नहीं नहीं, कार की दो हेडलाइट्स हैं और हमें एक ही नज़र आ रही है, हमें लग रहा है कि ये कोई बाइक आ रही है, हमें उसमें सिर्फ एक हेडलाइट नज़र आ रही है। कार धीमे धीमे नज़दीक आ रही है, नज़दीक आ रही है, और एक ऐसी डिस्टेंस आई जब कार की दोनों हेडलाइट हमको अलग अलग नज़र आने लगी, और जैसे ही ये काम हुआ उसी वक्त वो दोनों हेडलाइट उसी वक्त कार को रोक दिया, और दोनों हेडलाइट्स हमारी आँखों पर जो एंगल बनाएंगे उसी को हम लोग कहेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। जो गुड आई होगी उसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, क्योंकि गुड आई बहुत पास पास के दो बिंदुओं को भी अलग अलग देखने की एबिलिटी, मतलब क्षमता रखती है। ऑब्जेक्ट अगर पास होंगे तो एंगल जो डेल्टा थीटा होगा वो कम होगा, इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, गुड आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया 1.22 लैम्डा बाई ए, लैम्डा और ए दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो दोनों एंगस्ट्रॉम में रख लो, या दोनों मीटर में रख लो, या दोनों को सेंटीमीटर में रख लो, आंसर रेडियन में आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि येलो ग्रीन का एवरेज वेवलेंथ है, और हमारी आँखों का अपर्चर लगभग 2 मिलीमीटर का होता है। इस प्रकार से कैलकुलेट करने पर 3.06 इंटू 10^-4 रेडियन आंसर याद रखना, और अगर आंसर को मिनट में देना हो तो डायरेक्ट आंसर है 1 मिनट के बराबर होगा, ठीक है। अब रिजॉल्विंग पावर की बात भी कर लें। रिजॉल्विंग पावर हमेशा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितनी कम होगी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, उस आँख को हम उतना ही अच्छी क्वालिटी की आँख बोलेंगे, गुड आई बोलेंगे। एक बार फिर सुनो, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और वो आँख गुड क्वालिटी की आँख बोली जाएगी, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बन गया ए अपॉन 1.22 लैम्डा, यानी कि रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ ऑफ लाइट के इन्वर्सली होती है, यानी कि जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है हमारी आँख उस रंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन आई के लिए। और एक बात यहाँ पे आपको एडिशनल बता दें कि जो कॉन्सेप्ट ह्यूमन आई के लिए होगा वही कॉन्सेप्ट टेलीस्कोप के लिए भी होगा,
यानी कि हम लोगों ने एक साथ दो चीज़ें पढ़ ली हैं, ह्यूमन आई और टेलीस्कोप, दोनों का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और दोनों की रिजॉल्विंग पावर हम लोगों ने एक ही साथ पढ़ ली है, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूले बिल्कुल सेम होते हैं। अंतर सिर्फ ये होता है कि आँखों के लेंस का अपर्चर 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर, अलग अलग आँख का अलग अलग होता है। ज़्यादातर आइस का जो अपर्चर होता है वो 2 मिलीमीटर का होता है, ओके। जबकि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसका अपर्चर 2 मिलीमीटर नहीं, बल्कि कहीं 1 मीटर होगा, कहीं 5 मीटर होगा, कहीं 10 मीटर होगा, इस प्रकार का बहुत बड़ा अपर्चर होता है। यानी कि ह्यूमन आई और टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर के फॉर्मूले तो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन अंतर सिर्फ ये होगा कि ह्यूमन आई का जो अपर्चर होगा वो ह्यूमन आई के लेंस का जो अपर्चर होगा वो बहुत कम होगा, मिलीमीटर्स के ऑर्डर में होगा, जबकि टेलीस्कोप के फर्स्ट लेंस का अपर्चर मीटर्स के ऑर्डर में होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर और उससे भी बड़े अपर्चर के टेलीस्कोप बनाए जा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप के लिए। यहाँ पर एक बात तुमको हम और बता दें कि ये दो ऑब्जेक्ट थे ए और बी, ये दो ऑब्जेक्ट थे। इस ह्यूमन आई ने कहा कि इस समय ये दोनों हमको साफ साफ अलग अलग नज़र आ रहे हैं, इस समय ये दोनों ऑब्जेक्ट हमको साफ साफ और अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इन दोनों को जरा भी करीब किया, जरा भी 1 मिलीमीटर भी और पास लाए तो ये दोनों हमको दो नहीं बल्कि एक नज़र आने लगते हैं। और यही वक्त है, इसी वक्त हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। इस वक्त ये जो एंगल होता है ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस वाई हो तो वो दोनों ऑब्जेक्ट हमारी आँख से कितना दूर है, यानी कि वाई देकर एक्स पूछते हैं। कभी कभी इसका उल्टा क्वेश्चन होता है कि अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट हमारी आँखों से एक्स दूरी पर हों तो y कितना होगा, यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी। यानी कभी कभी y देकर x पूछते हैं और कभी कभी x देकर y पूछते हैं, ऐसे में हमको कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई a, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और डेल्टा थीटा को हम लोग r का पॉन रेडियस के फंडे से y बाई x लिख कर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हो गया, एक बार फिर सुन लो। ये ह्यूमन आई कहती है कि ये दोनों ए और बी ऑब्जेक्ट हमको इस समय साफ साफ अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ए और बी को जरा भी और क्लोज़ किया तो ये दोनों हमको दो नहीं बल्कि एक नज़र आने लगते हैं। और बिल्कुल यही वक्त है जब हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को डिफ़ाइन करेंगे। इस समय इस एंगल को हम लोग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। कभी कभी वाई देकर एक्स और एक्स देकर वाई पूछते हैं, हम लोग फॉर्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आगे एक काम करेंगे, डेल्टा थीटा को हम लोग y बाई एक्स लिख देंगे, और y दिया होगा तो x कैलकुलेट कर लेंगे, x दिया होगा तो y कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बात हमने पूरी कर ली है ह्यूमन आई और टेलीस्कोप के लिए, पूरा हो गया है। और अब हम लोग यही सब बातें माइक्रोस्कोप के लिए डिस्कस करेंगे। चलो अब हम लोग बात करें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसा कि हम लोगों ने ह्यूमन आई और टेलीस्कोप के लिए स्टडी किया था, बिल्कुल वही फंडा माइक्रोस्कोप में भी है। ये दो ऑब्जेक्ट, दो स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट ए और बी, यहां पर एक माइक्रोस्कोप का लेंस है, यह माइक्रोस्कोप, ठीक है। और यहाँ पर बैठकर हमने इन दोनों को देखा और कहा कि ये दोनों हमको साफ अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने इन दोनों को थोड़ा पास कर दिया, जब थोड़ा पास कर दिया, चलिए थोड़ा पास कर दें, पहले यहाँ थे, अब इनको थोड़ा सा और पास कर दिया, तो इसने कहा कि अभी भी ये दोनों हमको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो हमने कहा कि अब हम इनको थोड़ा और पास कर दें, इतना पास कर दिया, तो इसने कहा कि बस अब और पास ना करना, नहीं तो ये दोनों हमको दो नहीं बल्कि एक नज़र आएंगे, यानी कि इनको हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे। उस समय इन दोनों के बीच की इस लीनियर डिस्टेंस को
इस लीनियर डिस्टेंस को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन आई अगर कहती है कि ये दोनों हमको इस समय अलग अलग नज़र आ रहे हैं, ह्यूमन आई अगर कहती है कि ये दोनों हमको इस समय अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़रा भी और पास करोगे तो ये हमको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, तो उस समय इस एंगुलर डिस्टेंस को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहा जाता था, वाई को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं कहा जाता था, ठीक है ना। इसको कहते थे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है ना, इसको कहते थे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, डेल्टा थीटा को कहते थे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लेकिन माइक्रोस्कोप के मामले में इस एंगल को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं बताओ, इस वाई को लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। ये बात बहुत ध्यान से समझ कर चलना, ठीक है ना। वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है 0.61 लैम्डा अपॉन म्यू साइन थीटा म्यू साइन अल्फा, जहाँ पे अल्फा क्या है। अल्फा को समझने के लिए हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना दें, डायग्राम छोटा बनेगा तो अल्फा फिर तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये ए है और ये बी है, इसके सामने ये एक माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये माइक्रोस्कोप इंडिकेट कर रहा है कि इस समय दोनों हमको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई ज़रा भी पास किया तो अब ये दोनों हमको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह नज़र आएंगे। ऐसे में ये दोनों यहाँ पर जो पूरा एंगल बनाते हैं उसके हाफ एंगल को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, इसका नाम है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या नाम है बताओ, सेमी वर्टिकल एंगल। और इस डिस्टेंस को, इस लीनियर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालने के लिए पहला फॉर्मूला 0.61 लैम्डा अपॉन म्यू साइन अल्फ़ा, ये तब जब ऑब्जेक्ट खुद चमकदार हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेल्फ ल्यूमिनस। और y निकालने का ये फार्मूला 0.5 लैम्डा अपॉन म्यू साइन अल्फ़ा तब इस्तेमाल करोगे जब ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की रोशनी ना हो, बल्कि वो बाहर कोई बल्ब लगाकर नॉट सेल्फ ल्यूमिनस, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट की खुद की रोशनी है, वो खुद चमकदार है, तो तुम लोग 0.61 लैम्डा अपॉन म्यू साइन अल्फा से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर ऑब्जेक्ट की खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि हम बाहर से टॉर्च डालकर उसको इल्यूमिनेट कर रहे हैं और तब उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो हम लोग 0.5 लैम्डा अपॉन म्यू साइन अल्फा का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे अल्फा क्या है। ये दोनों ऑब्जेक्ट इस लेंस पर जो फुल एंगल बनाएंगे, उस फुल एंगल के हाफ को हम लोग अल्फा कहते हैं, इसका नाम होता है सेमी वर्टिकल एंगल। यहाँ पर एक बात और समझ लो कि म्यू साइन अल्फ़ा इस पूरे टर्म को कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। इसको हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन एन ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी सवालों में पूरा न्यूमेरिकल अपर्चर वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ बोलते एन ए इज इक्वल टू, मान लो कि एन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/2, यानी कि पूरा म्यू साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 5/2, यानी कि इन सवालों में म्यू और अल्फ़ा अलग अलग नहीं दिया होगा, बल्कि पूरा न्यूमेरिकल अपर्चर दिया हुआ है। न्यूमेरिकल अपर्चर का मतलब होता है म्यू साइन अल्फ़ा की पूरी वैल्यू हमको दी हुई है, हमें सिर्फ अब ये रखना है और ये पूरा दिया हुआ है, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वाई जितना कम होगा माइक्रोस्कोप उतना ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग पावर की। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि रिजॉल्विंग पावर हमेशा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इन्वर्सली होती है, यानी कि फॉर्मूला बनेगा म्यू साइन अल्फ़ा अपॉन 0.61 लैम्डा अगर ऑब्जेक्ट सेल्फ ल्यूमिनस है, या फिर म्यू साइन अल्फ़ा अपॉन 0.5 लैम्डा अगर ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि उसे बाहर से टॉर्च या बल्ब जलाकर पहले इल्यूमिनेट किया गया और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये लिक्विड, ये म्यू कहाँ क्या है, तो ध्यान रखिए जब भी हम लोग किसी माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को देखते हैं
तो आमतौर पर हम लोग यहाँ पर कोई लिक्विड का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जैसे आप लोग स्लाइड जब बनाते हैं और उसको देखते हैं तो स्लाइड के ऊपर एक लिक्विड डाल देते हैं। लिक्विड डाल देने से वेवलेंथ कम हो जाती है, और अगर वेवलेंथ कम हो जाती है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी कम हो जाती है, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होने का मतलब है कि वो माइक्रोस्कोप और बेहतर तरीके से और पास पास की चीज़ों को और बेहतर तरीके से देख पाएगा। ठीक है, ओके। देखिए, अगर लिक्विड नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पर वेवलेंथ लिखोगे एयर वाली, और अगर लिक्विड भी डाल दिया है तो लिक्विड डालने के बाद जो नई वेवलेंथ होगी वो लैम्डा डैश होगी, और लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन म्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है ना, यानी कि अगर यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो तुम लोग लैम्डा जो भी दिया उसका इस्तेमाल करोगे, और अगर कोई लिक्विड भी डाला गया है तो लिक्विड में नई वेवलेंथ लैम्डा डैश निकालोगे और उस लैम्डा डैश को वहाँ पर प्लांट करोगे, वहाँ पर पुट करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए जरा। एक ह्यूमन आई के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 मिनट है। ठीक है, और क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट ए और बी जो आपस में 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर थे, उनको ये ह्यूमन आई कितनी दूर से अलग अलग देख पाएगी, कितनी दूर से देखे कि वो दोनों उसको अलग अलग नज़र आएं और वो साफ साफ कह सके कि ये दोनों दो हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और हमें ये एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला जो कि वाई बाई एक्स भी हो सकता है, हमने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया। ये फार्मूला बिल्कुल सही फार्मूला है पर इसका यूज़ हमने नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि वेवलेंथ भी नहीं दिया है, अपर्चर भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डायरेक्टली दी हुई है, 1 मिनट। 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, अच्छा भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, हो गया। 1 मिनट को ये काम किया तो डिग्री में और इंटू पाई बाई 180 कर दिया तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। वाई की वैल्यू 3 किलोमीटर दी हुई है, एक्स हमको कैलकुलेट करना है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 60 इंटू 180 इंटू 3 अपॉन पाई, और पाई का मतलब है 3.14। इसको सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली आंसर देखो दिया होगा, इसको सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली 10.318 किलोमीटर आता है, यानी कि इतनी दूरी से ये आँख इन दोनों को अलग अलग देख पाएगी। अगर इसने जरा भी दूरी बढ़ा दी तो अलग अलग दिखना बंद हो जाएंगे। ये वो डिस्टेंस है जिस पर अगर आई होगी तो वो इन दोनों को अलग अलग मतलब डिस्टिंक्टली देख पाएगी, और अगर उसने अपनी डिस्टेंस को जरा भी बढ़ा दिया तो फिर ये दोनों उसको अलग अलग नहीं बल्कि एक ही में मिले जुले फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दो ऑब्जेक्ट जो ह्यूमन आई से LDDV डिस्टेंस पर हैं, ये LDDV डिस्टेंस पर हैं, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो कि ये आँख उन दोनों को अलग अलग मतलब डिस्टिंक्टली देख पाए। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कहा जाए कि ये आँख उन दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टिंक्टली देख पाए तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड है। ठीक है, हमसे वाई पूछा गया है, एक्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो डी दिया हुआ है उसी को तो हम लोग एक्स कहते थे, ध्यान करो, नहीं कहते थे बताओ, इसी को तो हम लोग एक्स कहते थे। एक्स इस क्वेश्चन में डी के बराबर दिया है, वाई हमसे पूछा गया है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू दी हुई है
वन मिनट। तो फिर से हम लोग इसको y बाई x लिख देंगे, वन मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, हो गया रेडियन में कन्वर्ट। डेल्टा थीटा को y बाई x तभी लिखेंगे जब ये रेडियन में होगा। अगर डेल्टा थीटा को हम y बाई x लिखते हैं और इसको रेडियन में नहीं कन्वर्ट करते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 60 180 इंटू एक्स, और x की वैल्यू रख देना 60, पाई की वैल्यू रख देना भाई 3.14 180, और x की वैल्यू d है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू d, और d मतलब 25। तो इसको सॉल्व करने पर 0.00726 सेंटीमीटर, जिसको राउंड ऑफ करने पर 0.0073 सेंटीमीटर आएगा। आमतौर पर ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 मिनट होती है, और ये 1 मिनट जो आंसर आता है वो तब आता है जब वेवलेंथ ली जाती है 5000 एंगस्ट्रॉम, और आंखों के लेंस के अपर्चर की वैल्यू ली जाती है 2 मिलीमीटर। अगर वेवलेंथ और अपर्चर की वैल्यूज बदल कर दी जाएँ तो फिर ये 1 मिनट नहीं बल्कि कुछ और होगा। इस क्वेश्चन में तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 मिनट दी ही हुई है, तो हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हमको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 मिनट लेना है, एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, एंड वाई इज इक्वल टू दिस इंटू एक्स। मिनट को हमने डिग्री में और डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक टेलीस्कोप के सामने 2 ऑब्जेक्ट रखे गए, और इनसे जो लाइट आ रही थी उसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम थी, हाँ दोनों से 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट आ रही थी। और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उसी टेलीस्कोप के सामने 2 ऑब्जेक्ट रखे गए देखने के लिए, और वहाँ से जो लाइट आ रही थी उसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम थी, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन है कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में रिजॉल्विंग पावर का रेशियो क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं रिजॉल्विंग पावर लाइट की वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, यानी कि पहले एक्सपेरिमेंट में रिजॉल्विंग पावर और दूसरे एक्सपेरिमेंट में रिजॉल्विंग पावर आने वाली वेवलेंथ का इन्वर्सली होगा। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, इट इज़ 6000 एंड इट इज़ 5000, द आंसर इज 6/5। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, मून पर 2 क्रेटर्स हैं या 2 धब्बे हैं या 2 पहाड़ियां हैं। मून पर 2 क्रेटर्स हैं या 2 धब्बे हैं, गड्ढे हैं या 2 पहाड़ियां हैं मान लीजिए, और अर्थ से इसको हम देख रहे हैं। ये अर्थ में हमारे पास एक टेलीस्कोप है, ये हमारे पास एक टेलीस्कोप है, ठीक है ना। इसका जो लेंस है उसका जो अपर्चर है, अपर्चर लेंस का अपर्चर 5 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और अर्थ से मून की डिस्टेंस की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है, 4×10^5 किलोमीटर। ये रियल डिस्टेंस है, वाकई में इतनी ही दूरी होती है, 400,000 किलोमीटर है, 400,000 किलोमीटर्स। और ये टेलीस्कोप इन दोनों को जस्ट रिजॉल्व कर पा रहा है, ये इन दोनों को जस्ट रिजॉल्व कर रहा है, यानी कि दोनों को अलग अलग देख पा रहा है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मून पर ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, यानी कि वाई कैलकुलेट करना है।
इस एंगल को हम लोग कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तब डिफाइन होता है जब ए और बी अलग अलग दिख रहे हों, ए और बी दो पॉइंट्स अलग अलग डिस्टिंक्टली दिख रहे हों, लेकिन बीच की दूरी जरा भी कम करने पर वो दो नहीं बल्कि एक दिखने लगे। इसी वक्त हम डिफाइन करते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को। एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू पूछी गई है, वहां से जो लाइट आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है, ये देखिए वेवलेंथ समझते हैं ना बात को, जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है। दोनों से जो वेवलेंथ आ रही है, ये देखिए ये वेवलेंथ दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम। बस अपर्चर दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, एक्स दिया हुआ है, वाई पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा थीटा ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए। क्या आपको ये बात ध्यान दिलाने की आवश्यकता है कि जो फार्मूला ह्यूमन आई के लिए होता है वही फार्मूला टेलीस्कोप के लिए होता है? ठीक है ना, जो फार्मूला ह्यूमन आई के लिए होता है वही फार्मूला टेलीस्कोप के लिए होता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि ह्यूमन आई का अपर्चर 2 मिलीमीटर या 2.5 मिलीमीटर दिया होता है, जबकि टेलीस्कोप का अपर्चर आप देख ही पा रहे होंगे, अपर्चर की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर, ये 10 मीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, पर मिलीमीटर में नहीं होगी। ह्यूमन आई की जो अपर्चर दी होगी वो मिलीमीटर के ऑर्डर की होगी, जबकि टेलीस्कोप का जो अपर्चर की वैल्यू दी होगी वो मीटर्स के ऑर्डर में होगी। ये थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फार्मूला दोनों के लिए सेम है। डेल्टा थीटा को हम लोग वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए। सो वी गेट द वैल्यू वाई इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए इंटू एक्स। और अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो, 1.22 लेमडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर ली, अपर्चर की वैल्यू मीटर में दी थी उसको भी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया, और एक्स की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁵। ओके, तो ये कैलकुलेट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको। ये 4.88 × 10⁻²² किलोमीटर, जिसे तुम कह सकते हो 48.8 × 10⁻³ किलोमीटर, और जिसे तुम लोग मीटर में 48.8 मीटर कह सकते हो। ठीक है ना, इस रिज़ल्ट को भी थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मून से अर्थ की डिस्टेंस इतनी ही होती है, और मून से जो लाइट आती है उस लाइट की जो एवरेज वेवलेंथ होती है वो 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। इसलिए ये आंसर एक फिक्स आंसर होता है, इस आंसर में ज़्यादातर वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि मून पर दो पहाड़ियाँ अगर लगभग 48.8 मीटर दूरी पर हों तो हम अर्थ से उनको साफ साफ अलग अलग देख सकते हैं, लगभग 50 मीटर है ये, तो हम अर्थ से अपने टेलीस्कोप की मदद से उनको साफ साफ देख सकते हैं। अगर दो पहाड़ियों के बीच की दूरी 48.8 मीटर से जरा भी कम हुई तो हम अर्थ से उन दोनों को अलग अलग डिस्टिंक्टली रिजॉल्व नहीं कर सकते। डिस्टिंक्टली रिजॉल्व नहीं कर सकते का मतलब है उन दोनों को अलग अलग रूप में नहीं देख पाएंगे, उन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। आज का ये सेशन ख़त्म करने से पहले ज़रा हम एक बार ये चेक कर लें कि आप लोगों ने क्या सीखा, कितना समझा। हम ऐसे ही कुछ रैंडम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये ह्यूमन आई कहती है कि ये दोनों हमको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन और पास करोगे तो अलग अलग नज़र नहीं आएंगे बल्कि ये दोनों हमको एक नज़र आएंगे। यानी कि इतनी तक तो हम रिजॉल्व कर ले रहे हैं, इनको अलग अलग देख पा रहे हैं, लेकिन अगर ज़रा भी पास लाओगे तो इनको हम अलग अलग नहीं समझ पाएंगे, इनको हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे, बल्कि ये दोनों हमको दो होने के बावजूद भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में नज़र आएंगे। ठीक है भाई, ये तो इसने ऐसा कहा, ये
ये पहला डायग्राम है। एक दूसरी आई थी ये, कोई और आई है, किसी और की आंख है, ये डिस्टेंस एक्स है। इसके सामने दो ऑब्जेक्ट हैं, उतनी ही डिस्टेंस पर, और ये आंख कह रही कि हम इन दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं, हम इन दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं, बस इनको और पास ना करना, नहीं तो फिर इन दोनों को दो नहीं बल्कि एक देख पाएंगे, फिर ये दोनों हमको अलग अलग नहीं दिखेंगे बल्कि दोनों मिले हुए नजर आएंगे, मतलब एक नजर आएंगे। अच्छा भाई, अब एक थर्ड ऑब्जर्वर है, उसकी ये आंख है, आई है, उसके सामने भी दो ऑब्जेक्ट रखे गए और वो इतने पास थे, ये दूरी वही थी और ये दोनों इतने पास पास थे, और ये आंख कह रही कि हाँ हम इन दोनों को अलग अलग आराम से देख पा रहे हैं, ये हमको दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन और पास मत करना नहीं तो हमको अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। तो इन तीन आँखों में कौन सी आँख आपके हिसाब से सबसे बेहतर है? क्या ये आँख सबसे बेहतर है, इतनी दूर ऑब्जेक्ट हैं और कह रहा है कि हाँ अलग अलग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और पास हैं और ये कह रहे हैं कि अलग अलग देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और भी ज़्यादा पास हैं और ये कह रहे हैं कि हम इनको अलग अलग देख पा रहे हैं, तो क्या तुमको नहीं लगता कि ये आँख सबसे अच्छी है, क्योंकि ये बहुत पास पास के दो बिंदुओं को भी अलग अलग देख पा रही है, तो ये आँख सबसे बेहतर है, ये आँख सबसे बेस्ट है, बेहतर है, क्योंकि इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डेल्टा थीटा सबसे कम है, डेल्टा थीटा जिसके लिए लीस्ट होगा वही आई बेस्ट आई होगी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर जो कि 1/ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है, मालूम है ना, जो कि 1/ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है, जिसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा उसको उस आँख की रिजॉल्व करने की क्षमता यानी कि रिजॉल्व करने की पावर ज़्यादा होगी। तो फाइनली आपको हमने ये बता दिया है कि अगर आपकी आँख दीवार पर बने दो बहुत करीब बिंदुओं को, धब्बों को, पेंसिल से बनाए गए दो काले निशानों को जो कि बहुत पास पास हैं, अगर साफ साफ अलग अलग देख पा रही है तो आपकी आँखों का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन काफ़ी कम है मतलब कि आपकी आँख काफ़ी अच्छी है, आँख की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम रिजॉल्विंग पावर उतनी ज़्यादा, और वो आँख उतनी ही बेटर मानी जाएगी। ठीक है,